ये हमने फाइनली फ्रीजर में लगा दिया, अब हमने इसको 8 से 10 घंटे छेड़ना नहीं है। तो आप लोगों से सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज है 3 मई 2021 और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1। तो आज का इंट्रो वीडियो के बाद शूट हो रहा है, मतलब आधी वीडियो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैं आधी वीडियो एडिट करने बैठा तब मैंने देखा भी हाँ मेरा तो इंट्रो ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया इंट्रो कहाँ नहीं, लेकिन चलो कोई ना, इतना तो चलता ही है, इसका नाम जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम, यू कांट ऑलवेज एक्सेप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम लाइफ। तो आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है कि आज मैंने बनाई थी चॉकलेट्स, थोड़ी बहुत चॉकलेट्स, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था और सोचा भी चलो घराल से छुपते छुपाते मैंने चॉकलेट्स बनाई थी, लेकिन अब तो वो भी घर आ चुके हैं और उनको भी पता लगी गया है, उन्होंने इतना कुछ कहा नहीं, थैंक गॉड कल वाला सीन नहीं हुआ। तो आज की जर्नी आधी तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन तब भी हमारा डायलॉग बोलना हमारा फर्ज है। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर लेते हैं आज के दिन से, एक नया एक्सपीरियंस, अब आप लोग वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। तो देखो मेरा बड़ा मन कर रहा था मीठा खाने का, मेरे को नहीं पता मेरे दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, बड़ा ही रैंडम थॉट था, लेकिन हाँ वी आर गोना ट्राई डैट। और मैं अभी अपनी किचन में हूँ तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा निन्नो सा अलग लग रहा होगा, घर वाले घर पे है नहीं, और अगर मेरा ध्यान हल्का सा आप लोगों से इधर का उधर है क्योंकि इधर दूध को उबाल दे रहा हूँ मैं। हाँ घर के क्योस करने भी ज़रूरी हैं, घर के काम करने भी ज़रूरी हैं, हम इनके बिना दूध के बिना हमारी चॉकलेट भी नहीं बनेगी। अरे मैंने तो बता दिया, हाँ हम लोग चॉकलेट बना रहे हैं, तो ये देखो हमारे पास चॉकलेट बनाने का पूरा सामान, और बस मैं इसको इग्नोर कर देना क्योंकि घर पे सफाइयाँ भी चल रही है। ये 2 डब्बे कोकोआ पाउडर, ये बेकिंग सोडा, बाकी और अपने को चाहिए, मैं थोड़ी सी कॉफी फ्लेवर वाली चॉकलेट बनाऊंगा तो इसमें हम कॉफी भी डाल लेंगे। मेरे को नहीं पता है कैसे बनने वाली है, हाउ टू वीडियो नहीं है, तो प्लीज इसको कॉपी ना करें। किसकी कॉपी कर रहे हो यार, यूट्यूब पे हजारों वीडियोज है उनमें से देखो। हाँ तो आज घर वाले थोड़ी देर लेट तक ही आएंगे, तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी कॉफी बनाने का सामान। कॉफी क्यों, चॉकलेट, सब बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, पहली बार कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूं तो थोड़े से वर्ड स्लिप कर रहे हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं हम अपने सारे सामान की, सारे सामान इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले तो अभी तो मिल्क पाउडर वगैरह भी लेना है, लेना मतलब वहां से लेना है शेल्फ से, घर पे तो है। और आप लोग एक मजे की बात देखो, हम बन चुके हैं शेफ, हमारे पास शेफ वाली हैट तो है नहीं, लेकिन हमने आज हुडी ऐसी सी डाल रखी है व्हाइट कलर की भी, हाँ हम शेफ से कम भी नहीं है। और हम मजे की बात सुनो आप लोग, एक और मजे की बात सुनो आप लोग, मेरे को ये नहीं पता था सीप क्या होता है, मेरे को लगा था मिक्स करना है, लेकिन नहीं, हमें इसको छल्ली से छानना है। ये हमारा मिल्क पाउडर भी आ गया, कोकोआ पाउडर भी है अपने पास, और अगर शोर आ रहा हो तो प्लीज इग्नोर इट, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट माय नेबर्स। तो सबसे पहले तो इनको छानना है हमको, मेरे को नहीं आइडिया मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, क्योंकि ये मिल्क पाउडर भी बिल्कुल सील्ड है और मेरे को नहीं पता इसको स्टोर कैसे करते हैं। गलत सीन होने वाला है आज, बहुत ज्यादा गलत सीन होने वाला है भाई साहब, लेकिन चलो फिर भी हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। अगर हमारी चॉकलेट ना बनी हम इसका चॉकलेट शेक बना लेंगे, या वी कैन ऑल्सो चूज आज। सबसे पहले तो इसको सीव करना मतलब छानना है दोनों को, मेरे को ही नहीं पता इकट्ठे छानना मिक्स करके छानना, लेकिन मैं बर्तन कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको इकट्ठे छानूंगा। हाँ मिक्सचर है जो रेडी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं, आप लोग इस चीज की बड़ी कंप्लीट करते हो। तो फाइनली अब जो टाइम आ चुका है वो आ चुका है चाशनी बनाने का, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने आज तक कभी पहले चाशनी बनाई नहीं है, मतलब मैं किचन में काफी कम आया हूँ सिर्फ। सॉरी सब निकल गया। सब मैगी बनाने के लिए आया हूँ आज के दिन किचन में, और अब मेरे को चाशनी बनानी पड़ रही है साहब, बहुत मुश्किल होएगा ये, मेरे को नहीं आइडिया चाशनी कैसे बनाते, तो इसलिए मैं यूट्यूब देख वीडियो देखने के बाद ही बनाऊंगा चाशनी। तो यहाँ पे भी जो है मैंने चाशनी बननी रख दी है, मेरे को नहीं पता चीनी कम है या ज्यादा है, पानी कम है या ज्यादा है, सब हिसाब ही है। तो देखते हैं कैसे बनके, मेरे को ये बताया था कि इसको स्टर करते रहना है धीरे 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 धीरे, और जैसे स्टर होती है आप लोगों के साथ तभी मिलता हूँ जब ये बन जाती है। हमारी प्लेट भी अच्छे से रगड़ी गई है घी से एकदम बढ़िया बढ़िया, हमने अपनी चाशनी में बटर भी डाल दिया, जो जैसे ही मेल्ट होगा फिर हमने इस पैन में शिफ्ट करना है, इसमें शिफ्ट करने के बाद हम वो इसमें डालेंगे और होप्स हमारी चॉकलेट बन जाएगी, बस फटाफट ये बटर मेल्ट हुए। देखो मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी है लेकिन इसमें बहुत सारे लम्ब्स बन चुके हैं। फाइनली हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, अब हमें इसको डालना है इसमें, तो अब ध्यान ध्यान से आराम। ओहो
इसमें तो फुल हो गया। ये हमने फाइनली फ्रीजर में लगा दिया, अब हमने इसको 8 से 10 घंटे छेड़ना नहीं है। तो अब आप लोगों से सीधा 8 से 10 घंटे के बाद ही मिलते हैं। 2 hours later. तो अभी बच चुके हैं दोपहर के 2 और मैं अभी अभी चॉकलेट पे चेकआउट करके आया था और वो अभी भी लिक्विड स्टेट में है। पता नहीं वो फ्रीज होएगी भी या नहीं। ऊपर हल्की हल्की तो फ्रीज हो ही गई है बट आई गेस उसको भी टाइम लगेगा। अगर तो आज के व्लॉग में वो हो पाती है भी, हाँ आज के व्लॉग में फ्रीज हो जाती है तो मैं आप लोगों को आज ही अपडेट दे दूंगा। अदरवाइज हम कल की वीडियो में जरूर अपडेट देंगे क्योंकि डेफिनेटली अगर उसने फ्रीज होना होगा तो कल तक तो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी कुछ कह नहीं सकते। अब तो मीठे खाने की तलब भी हट गई थी, मैंने ना हल्की सी वही वाली खा के देख ली थी लिक्विड स्टेट में और काफी स्वाद बनी थी, मेरा मीठे की तलब शांत होगी। और 2 प्लेट भर के बनी है चॉकलेट, भाई साहब बस बन जाए मैं तो कह रहा हूँ। फ्लेवर बिल्कुल चॉकलेट वाला और अच्छा फ्लेवर है, ये कि नहीं कि हाँ माड़ा फ्लेवर, फ्लेवर भी काफी अच्छा है, बस बन जाए तो थोड़ा सॉलिड सॉलिड क्रंच सा अच्छा लगेगा। तो ये देखो अभी भी लिक्विड स्टेट में है काफी हद तक। One eternity later. So almost 6 घंटे हो गए हैं हमारी चॉकलेट को हुए हुए और ये मेरे हाथ में चॉकलेट है। आप लोगों को ऐसी नहीं दिखेगी लेकिन क्या ही कह सकता हूँ इसके मामले में, आप लोगों को इससे ज्यादा आइडिया लगेगा। Epic fail. कुछ टुकड़े बीच में से काफी सॉलिड हो गए हैं जैसे कि ये। ओहो क्या खतरनाक टेस्ट है भाई साहब, बट वी कैन स्टिल काउंट इट एज अ फेल क्योंकि ये चॉकलेट तो कहीं से भी नहीं लग रही, किसी एंगल से नहीं। आप लोगों को 2 मिनट कैमरा नीचे करके दिखाता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। ये देखो बहुत गंदा फेल हो गया, लेकिन चलो कोई ना, फिर भी खाने लायक तो है ही है। Top 10 epic fails in YouTube history. मेरे कट भी लग गया मेरी सांसें, लेकिन चलो कोई ना, ये तो चलता ही रहता है। तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड, एक बड़ी एपिक फेल पे हम आज की वीडियो को एंड कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई ना, अभी मैं इसको शायद से और फ्रीजर में रखूंगा लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होएगा वे। तो इसी नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नवी जर्नी एक नवे एडवेंचर होप सो सॉलिड चॉकलेट के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।